नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डी के मिश्रा, आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल विल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोगों ने सेट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फंक्शंस को पढ़ लिया। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि आज का जो लेक्चर होने वाला, जो क्लास होने वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट। किसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग? काउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी सेट की काउंटेबिलिटी की बात करने वाले हैं, किसी सेट के एलिमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले, उसके काउंटिंग की बात करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईआईटी जैम के रिस्पेक्ट से भी, सीएसआईआर नेट के भी रिस्पेक्ट से, गेट, एनबीएचएम, जितने भी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी के रिस्पेक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका यूज हम बस यही इतना इसी चैप्टर तक ही नहीं, बल्कि इसका यूज हम लगातार आगे के भी अनदर चैप्टर्स में करते रहेंगे। और इनका यूज जो है हर जगह आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। इनके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके नेट एग्जाम, गेट एग्जाम्स, TIFR, NBHM, ETC में पूछे भी जा चुके हैं, तो उनके भी बारे में ही चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं, आज के पॉइंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हमको करनी है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट में सबसे पहली चर्चा जिसको हमको करना है, इक्विवेलेंट सेट के बारे में करना है। किसके बारे में करना है? इक्विवेलेंट सेट के बारे में करना है, क्योंकि हम यहाँ पे काउंटिंग करने चल रहे हैं। तो पहले तो हम इक्विवेलेंसी के बारे में जाने, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंसी आपका या इक्विवेलेंटली आपका इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का क्या है? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के बारे में चर्चा करना। किसके बारे में चर्चा करना है? इक्विवेलेंट सेट के बारे में चर्चा करना। ठीक है, लिखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू सेट, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, टू सेट्स ए एंड बी। हमने दो सेट ले लिया ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन। क्या? बाइजेक्शन। देर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन दैट इज वन वन एंड ऑन्टो, वन वन एंड ऑन्टो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इट इज डिनोटेड बाई ए इक्विवेलेंट टू बी एंड एंड सेज सेज ए एंड बी हैव सेम बी हैव सेम कार्डिनालिटी, सेम कार्डिनालिटी। देखिए, समझिए इस बात को, क्या बोला गया? इक्विवेलेंट सेट। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बोला गया दो सेट हमने ए और बी ले लिया। क्या ले लिया? दो सेट ए और बी ले लिया, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। इनको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, कौन सी कंडीशन बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो, ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। जब हमारा ए टू बी क्या हो जाए, बाइजेक्शन जनरेट हो रहा हो, उस कंडीशन में हमारा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इट इज डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट टू बी। इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, और ए एंड बी हैव द सेम कार्डिनालिटी। कार्डिनालिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब उस सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो दोनों की सेम होगी। तो इसके पास, दोनों के पास, ए और बी दोनों के पास क्या होगी? सेम कार्डिनालिटी होगी। क्या होगी? सेम कार्डिनालिटी हो जाएगी। दैट मींस इक्विवेलेंट सेट कब होगा? जब दो सेट के पास अपनी सेम कार्डिनालिटी हो रही हो और साथ में दोनों बाइजेक्शन फंक्शन के बाइजेक्शन को फुलफिल कर रहे, मतलब वन वन और ऑन टू फंक्शन को फुलफिल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? इक्विवेलेंस सेट बोला जाता है। क्लियर है इक्विवेलेंस सेट क्या होता है?
अगर हम इसको अनदर टाइप से थोड़ा सा डिफाइन करें, और भी टाइप्स इसको अनदर अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पे डिफाइन किया गया, चलो हम लिख लेते हैं, शो कर लेते हैं। इन अदर हैंड, अदर हैंड या अदर टर्म्स दैट आर यूज्ड, दैट आर यूज्ड, इसको और भी जो चीजें जिस तरह से यूज की जाती हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अनदर टर्म्स इसके जो अलग अलग टाइप से यूज किए जाते हैं, जैसे हम इक्विवेलेंट सेट के नाम से जान रहे हैं, कोई कोई इक्विपोटेंट जानता है, कोई इक्विपोलेंट जानता है, कोई इक्विनुमेरस जानता है, मतलब इसी इक्विवेलेंट सेट के अलग अलग यूजेस हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग टर्म के फॉर्मेट में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो अदर टर्म दैट आर यूज्ड, दैट मीन्स सेम थिंग, दैट मीन्स सेम थिंग्स एज इक्विवेलेंट, जो कि इक्विवेलेंट के सिमिलर है, सेम है। पहला हम किसके फॉर्मेट में बोलते हैं, जैसे अगर हमको इक्विपोटेंट बोला, इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंट भी बोलते हैं, इक्विपोटेंट। अब इक्विपोटेंट कब बोला, जब हमारे पास किसी के पावर के इक्वलनेस को शो करना होता, मतलब इक्वलनेस ऑफ पावर की बात जब होती है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंट बोल देते हैं। दूसरा, इक्विपोलेंट, 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 इसको क्या बोलते हैं, इसमें इक्वलनेस कौन सी कंडीशन में होती है, इक्वलनेस ऑफ स्ट्रेंथ, किसमें, इक्वलनेस ऑफ स्ट्रेंथ, इक्वलनेस ऑफ स्ट्रेंथ में हम क्या बोलते हैं, इक्विपोलेंट बोल देते हैं। तीसरी कंडीशन, हम इसको इक्विन्यूमरस भी बोलते हैं, इक्विन्यूमरस, इक्विन्यूमरस या इसको इक्विन्यूमरेबल भी बोलते हैं, इक्विन्यूमरेबल भी बोला जाता है, इक्विन्यूमरस या इक्विन्यूमरेबल, कौन सी कंडीशन है, इक्वलनेस ऑफ नंबर में, किसमें, इक्वलनेस ऑफ नंबर की कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विन्यूमरस या इक्वी न्यूमरेबल, क्या बोलते हैं, इक्विन्यूमरस या इक्विन्यूमरेबल बोल दिया जाता है। बातें समझ में आ रही हैं। देखो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, इक्विवेलेंट सेट के बारे में डिस्कस किया। इक्विवेलेंट सेट के बारे में क्या है, दो सेट हमारे पास इस तरह से हो, उनको हम इक्विवेलेंट तभी बोल सकते हैं जब उनमें क्या हो, बाइजेक्शन हो रहा हो, ए और बी में क्या हो रहा हो, बाइजेक्शन हो रहा है। बाइजेक्शन मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन ए टू बी अगर फुलफिल हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इन दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, सेम होती है। दूसरी कंडीशन, इसी इक्विवेलेंट सेट को हम अलग अलग नामों से भी यूज करते हैं, इक्विपोटेंट, इक्विपोलेंट, इक्विन्यूमरस या इक्विन्यूमरेबल। जहां पे इक्विपोटेंट का यूज हम कब करते हैं, जब पावर इक्वलनेस ऑफ पावर की बात होती है, हम इक्विपोटेंट का यूज कर लेते हैं। इक्विपोलेंट की बात कब, जब इक्वलनेस ऑफ द स्ट्रेंथ की बात होती है, तो वहां इक्विपोलेंट यूज कर लेते हैं। इक्विन्यूमरस की बात कब होती है, जब इक्वलनेस ऑफ द नंबर की बात होती है, वहां पे इक्विन्यूमरस या इक्विन्यूमरेबल का यूज कर लेते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ रही इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, एंड कोई एक सेट और ले लिया e इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, जहां पे 2, 4, 6 इस तरह से समथिंग, सो ऑन नंबर हो जाए। हमने क्या लिया, एक सेट n ले लिया नेचुरल नंबर, e इज इक्वल टू क्या लिया, 2, 4, 6, 8 समथिंग सो ऑन ले लिया। अब ये किसका है, ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑफ ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका कलेक्शन ले लिया हमने, ठीक है। सच दैट कुछ इस तरह से इन दोनों को लिया गया कि फंक्शन में हमने रखा है एन टू ई, एन टू ई। अब ध्यान से देखो, हमने एक सेट लिया एन और दूसरा सेट लिया ई, जहां पे ई क्या है, ऑल इवन नंबर्स है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने एक 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 फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एन टू ई, एक फंक्शन डिफाइन किया क्या, एन टू ई, डिफाइन बाय
ऑफ एन इज इक्वल टू टू एन, या फाफ एन इज इक्वल टू टू एन, इसको इस तरह से डिफाइन किया, या फाफ एन इज इक्वल टू टू एन, और जहां पे एन सब किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ये इस क्या होगा, ये पूरा का ये फंक्शन जो है आपका, ये फंक्शन क्या है, वन वन आन टू है कि नहीं है, दिस इज बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन है कि नहीं, इज ये क्या होगा आपका, बाइजेक्शन फंक्शन होगा कि नहीं, इज बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू ई, एन से लेके ई पे बाइजेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा, मतलब आपका सेट ई एन और सेट ई, ये दो आपके पास सेट लिए गए हैं, इन दोनों सेट को हमने एक फंक्शन के अंडर बांधा, एफ ऑफ एन टू ई, डिफाइन किया एफ ऑफ एन इक्वल टू टू एन फॉर ऑल एन इन एन के लिए, ठीक है, एन इन नेचुरल नंबर। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा, और बाइजेक्शन होने के बाद कंडीशन क्या है, ये दो के दोनों सेट क्या इक्विवेलेंट सेट हो गए, दैट मींस एन इज इक्विवेलेंट टू ई, क्या हो गया, नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू सेट ई, बात समझ में, ये दोनों आपस में कौन से सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं, क्लियर है बातें, डन, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। चलिए एक नोट लिखते हैं, नोट पॉइंट, नोट, इक्विवेलेंट सेट्स बिहेव्स लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बता दिया कि इक्विवेलेंट सेट जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह बिहेव करता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एक सेट है वो किसी रिलेशन की तरह बिहेव कर रहा है, कि इक्विवेलेंट सेट बिहेव लाइक अ इक्विवेलेंट रिलेशन, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। चलिए दिखाते हैं कैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह बिहेव करेगा, रिलेशन दैट इज देखिए, फॉर ऑल यस सच दैट यस रिलेटेड टू यस, फॉर ऑल यस, यस हमने कोई सेट ले लिया या एलिमेंट ले लिया ना, तो यस रिलेटेड टू यस हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, डन। दूसरे की बात करें, अगर फॉर ऑल यस कॉमा टी, अब आपस में रिलेटेड कैसे हैं, यस सिमिलर टू टी, दिस इंप्लाइज दैट टी सिमिलर टू एस, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात होगा भाई, अगर यस टी के सिमिलर है तो टी भी एस के सिमिलर, क्योंकि अभी हमने ऊपर उड़ेगा कार्डिनलिटी दोनों की सेम होगी, अगर बाई वन वन आन टू है तो वन वन आन टू हुआ तो यस रिलेटेड टू टी और टी रिलेटेड टू एस, है ना, कार्डिनलिटी भी सेम है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन सा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, डन। अगर नेक्स्ट की बात करें, फॉर ऑल यस वन यस टू यस थ्री सच दैट, किस तरह, एस वन रिलेटेड टू एस टू एंड यस टू रिलेटेड टू एस थ्री, दिस इंप्लाई दैट एस वन रिलेटेड टू एस थ्री, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, यस वन यस टू यस थ्री है, यस वन यस टू से रिलेटेड है, यस टू यस थ्री से रिलेटेड है, यस थ्री यस वन यस थ्री से रिलेटेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब ऐसी कंडीशन हुआ क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तो सिंपल सी बात है, देखो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए यही तीन कंडीशन तो चाहिए होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए होता है, दैट मींस दिस इंप्लाई दैट क्या इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या निर्णय हुआ कि आपका जो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो बिहेव लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह बिहेव करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो आपके जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह बिहेव करते हैं हमेशा, क्लियर, बातें समझ में आई, डन। चलिए
अभी एक वर्ड बीच में यूज हुआ था, ऊपर हम अंडरलाइन कर देते हैं, कार्डिनालिटी। ये सॉरी, कार्डिनालिटी क्या होती है? यहां पे बोला गया ए एंड बी हैव द सेम कार्डिनालिटी, ए और बी दोनों के पास क्या होती है? सेम कार्डिनालिटी। तो इसका क्या मीनिंग है? कार्डिनालिटी है क्या? कार्डिनालिटी कौन सी चीज है? इसके बारे में चर्चा करते हैं, कार्डिनालिटी के बारे में। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कार्डिनालिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनालिटी ऑफ सेट, कार्डिनालिटी ऑफ सेट, कार्डिनालिटी ऑफ सेट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कार्डिनालिटी के बारे में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी सेट के पास, किसी सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनकी काउंटिंग ही हमारी क्या कहलाती है? कार्डिनालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्डिनालिटी कहलाती है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ सेट ए, इन अ सेट ए इज सेट टू बी, इज सेट टू बी कार्डिनालिटी ऑफ ए, कार्डिनालिटी ऑफ ए एंड एंड डिनोटेड बाई। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई कहीं कहीं कार्ड ऑफ ए लिखा जाता है, या इस तरह से जो आप जिसको मॉड पढ़ते हो, आप डिटरमिनेंट पढ़ते हो, कुछ इस तरह से कई जगह, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया कार्डिनालिटी ऑफ ए को, या कहीं कहीं इस तरह से हैच ऑफ ए की तरह यूज किया जाता है। जब जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस आपका कौन सा है? ये मिड वाला, कार्डिनालिटी ऑफ ए। ठीक है, जो आपका कई सिंबल से मिलता जुलता है, ठीक है, मॉड से भी मिलता जुलता है, नॉर्म से भी मिलता, कई सिंबल से मिलता जुलता है। दैट मीन सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? दिस। ठीक है, तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में कार्ड ऑफ ए और किसी किसी बुक में हैज ऑफ ए का यूज करते हैं कार्डिनालिटी ऑफ ए के लिए। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि कार्डिनालिटी ऑफ सेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है, सेट टू बी कार्डिनालिटी ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई कार्ड ऑफ ए, मॉड ए, जिसको मॉड तो नहीं बोल सकते हैं, कार्डिनालिटी ऑफ ए, हैच ऑफ ए। ये चीजें क्या होती है? कार्डिनालिटी होती है। क्लियर? कार्डिनालिटी समझ में आई? डन। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बेसिस पे, और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई सेट हमने ले लिया एस, एस ले लिया, एस में हमने रख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस क्लोज कर दिया। अब कोई पूछे कार्डिनालिटी ऑफ अ सेट बताओ, तो कार्डिनालिटी ऑफ सेट इज इक्वल टू, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कार्डिनालिटी ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। कार्डिनालिटी ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू क्या? कार्डिनालिटी एस की कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका मीनिंग हुआ कि यस, जो आपने सेट लिया था उस सेट के पास कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है उस सेट के पास। डन, क्लियर, ओके। चलिए, अब कार्डिनालिटी ऑफ सेट तो हमने समझ लिया, ठीक है, कार्डिनालिटी ऑफ तो सेट तो समझ लिया। आगे बात आती है कार्डिनल नंबर क्या है। आगे बात आती है कार्डिनल नंबर क्या है, रीजन क्या है कि कार्डिनल नंबर क्यों पढ़ना जरूरी है। मान लो हमारे पास कार्डिनालिटी ऑफ यस कहां तक पहुंच गई हो, अब इनफिनाइट की तरफ मूव कर रही हो। किसकी तरफ? इनफिनाइट की तरफ मूव कर रही हो, इनफिनाइट की तरफ मूव कर रही हो। ठीक है, अब हमने कार्डिनालिटी तो बोलते बता दिया कि जितने सेट में जितने एलिमेंट होंगे हमारी कार्डिनालिटी होगी, बट हमारे सेट के एलिमेंट इतने ज्यादा होंगे किधर बढ़ रहा हो? इनफिनाइट की तरफ बढ़ रहा हो। तो उस टाइम पे हम किसी नंबर को काउंट करते समय हम उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? उनको काउंट कैसे करें? उनको काउंट करने का तरीका क्या होगा? उनको सिंबल कौन सा दिया जाएगा? उनको क्या नाम से बुला सकते हैं? इन सारी चीजों के बारे में जाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। वैसे तो अगर आपको पता हो तो बचपन में कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, अब तो छोटे क्लास में सेकंड थर्ड में पढ़ाए जाते हैं कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, तो कुछ वही कार्डिनल नंबर ही यहाँ पे, वहां पे थोड़े से कम पढ़ाए जाते हैं काउंटिंग के फॉर्मेट में,
यहाँ पे क्या आपके डिस्क्रिप्टिव मतलब दैट मीन्स इनफिनाइट की तरफ मूव किया जाएगा, बात ही वही है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रोसेस बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कार्डिनल नंबर्स। क्या टॉपिक है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? सिंबल होता है एक टाइप का ना, जैसे 1 2 3 4 सब क्या है? सिंबल ही है। जिनको हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं सब क्या है? सिंबल है। तो कार्डिनल नंबर भी एक क्या है? एक सिंबल ही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। अ सिंबल दैट आर सिंबल दैट आर यूज्ड यूज टू डिनोट कार्डिनालिटी कार्डिनालिटी ऑफसेट्स ऑफसेट्स कार्ड कार्डिनल नंबर्स कार्डिनल नंबर्स। सिंबल दैट आर यूज्ड दैट आर, यहां पे क्या लिखा भाई? यस, पहले कहां से आ गया? यूज्ड दैट आर यूज्ड सिंबल दैट आर यूज्ड टू डिनोटेड यूज्ड टू डिनोट कार्डिनालिटी ऑफ सेट्स यूज्ड टू डिनोट कार्डिनालिटी ऑफ सेट, मतलब किसी सेट की कार्डिनालिटी को डिनोट करने के लिए, किसी सेट की कार्डिनालिटी को डिनोट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनालिटी, या सॉरी कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक फाइनाइट सेट होगा। देखो आप लोग को तो सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन सारी चीजों के बारे में पता ही है। इसको भी बताना पड़ेगा फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट सेट कौन से है, इनफाइनाइट कौन से है। ये हम आपको मान के चलते हैं, अगर आप IIT JEE NET JRF ETC की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कहाँ पे फाइनाइट की बात हो रही है, कहाँ पे इनफाइनाइट, किसको फाइनाइट बोलते हैं, किसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। बहरहाल फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बारे में चर्चा हमने पीछे लेक्चर्स में किया है। ठीक है, तो अब बात आती है कार्डिनल नंबर्स में हम जो सिंबल यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब अगर हम जैसे तो 1 2 3 4 5 6 जहां तक हम काउंटिंग आती है सब सिंबल सिंबल ही है, ये सब क्या है? कार्डिनल नंबर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? एक कार्डिनल नंबर ही है। बट अगर इनसे आगे कोई नंबर, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कोई फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट है अगर उसका काउंट कर सकते हैं दैट मीन्स उसका कार्डिनलिटी तो मिल जाएगा, उसका कार्डिनल नंबर भी मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट, इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट, केस ऑफ फाइनाइट सेट, अब किस किस कौन से केस में? फाइनाइट सेट के केस में इट्स कार्डिनल नंबर, इट्स कार्डिनल नंबर इज देयर फॉर अ नेचुरल नंबर, इज देयर फॉर अ नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, अगर आपका सेट क्या है? फाइनाइट है। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट, अगर आपका सेट कैसा हो? फाइनाइट सेट हो, सेट आपके फाइनाइट हो रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कार्डिनल नंबर की बात करें तो हमारा कार्डिनल नंबर क्या होगा? आपका पूरा का पूरा नेचुरल नंबर की जितने भी एलिमेंट्स हैं वही उसके क्या हो जाएंगे? कार्डिनल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्डिनल नंबर्स हो जाएंगे। इतना तो ठीक है, बट अगर सेट हमारे पास इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाए तब तो हमारे पास नेचुरल भी इंड होने लगेगा, हम नेचुरल को कहाँ काउंट कर पाएंगे फिर? नेचुरल को भी काउंट करने में दिक्कत आने लगेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दैट मीन्स इन द केस ऑफ, अगर आपको इसमें एग्जाम्पल चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 इन सबको समझ सकते हैं आप। ठीक है, इस वाले इन द केस ऑफ फर्स्ट में फाइनाइट के लिए, इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सेट, इन द
केस ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन द केस ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट की कंडीशन में द इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, द इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड विच आर डिनोटेड विथ विच आर डिनोटेड विथ किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एक हर्ब्रू लेटर होता है, उसको शायद हर्ब्रू लेटर ही बोलते हैं, हर्ब्रू लेटर, HERBREW, हर्ब्रू लेटर, हर्ब्रू लेटर LF, इसको बोलते हैं LF, LF से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला गया? इन द केस ऑफ इनफिनाइट, इन द केस ऑफ इनफिनाइट सेट, कौन से सेट में? इनफिनाइट सेट की केस में द इनफिनाइट कार्डिनल नंबर हैव बीन इंट्रोड्यूस, यहां पे इनफिनाइट कार्डिनल नंबर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कितने कार्डिनल नंबर? इनफिनाइट कार्डिनल नंबर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि जितने ही आगे आप बढ़ते जाओ, इनफिनाइट के आगे भी बहुत सारे इनफिनाइट होंगे, ठीक है? तो इनफिनाइट कार्डिनल नंबर्स यूज होते हैं, जिनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं हर्ब्रू लेटर अलिफ से। किससे रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं? अलिफ से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। अब बेसिकली अगर बताया जाए तो ये सबसे छोटी इन्फिनिटी होती है, अलिफ जो होती है सबसे छोटी इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स अगर कार्डिनालिटी ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, कार्डिनालिटी ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, तो ये अलिफ नॉट के या अलिफ नल के नाम से बोला जाता है, अलिफ नल, इसको क्या बोलते हैं? अलिफ नल बोलते हैं इसको, कार्डिनालिटी ऑफ एन इज इक्वल टू अलिफ नल बोला जाता है। दैट मीन्स सबसे पहला सेट आपका क्या है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर की कार्डिनालिटी क्या होती है? अलिफ नल होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्मॉलेस्ट इनफिनाइट, दिस इज द स्मॉलेस्ट इनफिनाइट कार्डिनल, इनफिनाइट कार्डिनल मतलब ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इनफिनाइट कार्डिनल है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा इनफिनाइट कार्डिनल, जो कार्डिनल नंबर की बात हम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इनफिनाइट में जो सबसे छोटा इनफिनाइट होता है वही कार्डिनल कौन होता है? एलिफ नल होता है। वही वही कार्डिनल कौन होता है? एलिफ नल होता है। अब जैसे बात करें आगे इसके बारे में, चर्चा कर लेते थोड़ा सा और, अलिफ नल, अलिफ नल तो कार्डिनालिटी ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमने क्या बताया कि कार्डिनालिटी ऑफ एन इज इक्वल टू अलिफ नल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट सबसे छोटा अगर इनफाइनाइट कार्डिनल है ये, अगर अलिफ नल सबसे छोटा इनफाइनाइट कार्डिनल है, तो एन के पास और भी नंबर्स हो सकते हैं, और भी कार्डिनल हो सकते हैं। दैट मीन्स अलिफ नल कार्डिनालिटी ऑफ एन के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली लेस देन अलिफ वन, स्ट्रिक्टली लेस देन अलिफ वन, और अलिफ वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर अलिफ न, 2 की पावर अलिफ नल, और ये 2 की पावर अलिफ नल जो होता है ये होता है कार्डिनालिटी ऑफ रियल नंबर। किसकी कार्डिनालिटी होती है? कार्डिनालिटी ऑफ रियल नंबर होता है। क्लियर? तो इसी इसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या? अलिफ 2 मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? अलिफ 3 मिलेगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अलिफ 1 अलिफ 2 को अगर हम रिप्रेजेंट करें 2 के फॉर्मेट में, इसको लिखते हैं 2 की पावर अलिफ 1, अलिफ 3 को अगर लिखें तो 2 की पावर अलिफ 2, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो सबसे छोटी इनफाइनाइट कार्डिनल कौन सी है? अलिफ नल है।
अलिफ नल से बड़ी क्या है, इसको अलफ वन भी बोलते हैं या कार्ड या टू की पावर अलिफ नल भी बोला जाता है। इसको हम किसकी कार्डिनालिटी बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनालिटी बोलते हैं। क्लियर। तो ये सभी जो है इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ये सभी क्या है? इस तरह से सोमवार आगे बढ़ जाएंगे इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर की तरफ, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर बातें, इतनी समझ में आई? कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स को सबसे बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्डिनल नंबर आगे बढ़ते कैसे हैं, इन सारी चीजों के बातें इन बारे में समझ में आया। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा सिंबल जिसको हम यूज करते हैं डिनोट करने में कार्डिनालिटी को, कार्डिनालिटी को डिनोट करने में जिन सिंबल का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। फाइनाइट सेट के लिए जो होता है कार्डिनल नंबर हमारा पूरा नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो जाता है। नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट हैं सब क्या होते हैं, कार्डिनालिटी में, कार्डिनालिटी को डिफाइन करने में, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में यूज हो जाते हैं। बट जब बात इनफाइनाइट की आती है तो कुछ टाइम के बाद रियल नंबर में भी एलिमेंट काउंट करने बहुत दूरी हो जाती, काउंट करने में बहुत डिस्टेंस हो जाती है, जो इनफाइनाइट की तरफ मूव करना शुरू होता है। तो सबसे पहला जो इनफाइनाइट होता है, सबसे छोटा जो इनफाइनाइट कार्डिनल होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलिफ नल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अलिफ नल से। और बेसिकली इनफाइनाइट कार्डिनल्स में हम किस सिंबल का यूज करते हैं, हरब्यू सिंबल का यूज करते हैं, हरब्रू सिंबल का यूज करते हैं, जिसको अलफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलफ बोलते हैं। तो सबसे छोटे वाले को, सबसे छोटे अलफ को हम क्या बोलते हैं, अलफ नल बोलते हैं। सबसे छोटे वाले को क्या बोलते हैं, अलफ नल बोलते हैं। मतलब जो सबसे छोटा इनफाइनाइट कार्डिनल है उसको हम क्या बोलते हैं, अलफ नल बोलते हैं। उसके बाद एलएफ वन आता है, फिर एलएफ टू आता है, फिर एलएफ थ्री आता है। इस तरह से ये इनफाइनाइट की तरफ मूव करते जाते हैं। दैट मींस अभी ऊपर मैंने लिखाया कि कार्डिनल नंबर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस व्हिच आर द ऑफ्टन डिनोटेड बाय समथिंग, मतलब इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर इंट्रोड्यूस, कितने कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर हमको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स इस तरह से फिर से आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर बातें, कार्डिनालिटी समझ में आई, कार्डिनालिटी क्या होती है। डन। एक नोट लिखते हैं इनके बारे में, नोट नोट। फर्स्ट, जीरो इज द स्मॉलेस्ट, जीरो इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनल, कार्डिनल नंबर और फाई, और फाई इज स्मॉलेस्ट सेट। अब यहां पे हमने दो बात और क्यों कर दिया, जीरो इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर और फाई इज द स्मॉलेस्ट सेट, मतलब कुल मिला के हम बात फाई की ही कर रहे हैं। कार्डिनालिटी जीरो कब होगी भाई, कार्डिनल नंबर जीरो किसका होगा, जिसके पास कोई कार्डिनल नंबर क्या है, जो कार्डिनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जीरो कार्डिनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कार्डिनालिटी क्या होती है, कार्डिनालिटी होती है जो उस सेट के अंदर में प्रेजेंट सभी एलिमेंट की काउंटिंग को बताता है। तो मतलब जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब जीरो है, तो उसका कार्डिनल नंबर कौन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक इकलौता ऐसा ही सेट फाई ही, या मतलब इम्पटी सेट ही ऐसा सेट है, फाई ही ऐसा सेट है, स्मॉलेस्ट सेट है, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसको इम्पटी सेट बोलते हैं या फाई सेट बोलते हैं। क्लियर। तो इसकी कार्डिनालिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा पॉइंट की बात अगर हम बात करें, एप्सिलॉन सॉरी अल्फा, अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर और एन इज स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्या बोला गया, अलिफ नल इज स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। अलिफ नल क्या है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, सबसे छोटा इन्फिनिटी बोल सकते हैं उसको,
सबसे छोटा क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। इस एलिफ नल इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। इसके साथ आर में एक चीज और दिया गया, यन इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। यहां कहने का सेंस क्या है, ये जो कार्डिनालिटी है नेचुरल नंबर यन की है, एलिफ नल जो कि क्या इनफाइनाइट है, सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट को रखेगा। दैट मींस नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो सेट इनफाइनाइट सेट तो होता है बट स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है। कौन सा इनफाइनाइट सेट होता है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है। क्लियर बातें, डन। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड थर्ड पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, थर्ड पॉइंट अलिफ आई प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर अलिफ आई। इसका मीनिंग समझो, जैसे लिखा गया है कि अलिफ थ्री, इसको टू की पावर में हम क्या लिखेंगे, तो थ्री का मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं अलिफ टू प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर अलिफ टू लिख देना। बात समझ में, अभी पीछे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट किया था। अगर लिखा है अलिफ टू, अलिफ टू लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अलिफ वन प्लस वन, दैट मीन्स टू की पावर अलिफ वन। ठीक है, अगर लिखा है अलिफ वन तो अलिफ वन का मतलब क्या हुआ, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर अलिफ नल। तो टू की पावर अलिफ नल को हमने क्या बताया था, पीछे भी बताया था अलिफ वन, इसको भी बताया था अलिफ टू, इसको भी बताया था अलिफ थ्री। समझ में, और ये जो अलिफ वन है इसी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कंटिनम। इसको क्या बोलते हैं, कंटिनम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंटिनम बोलेंगे। क्लियर है, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नोट की बात अगर हम करें, फोर्थ नोट हमारा क्या, देयर इज अ सिंबल बिटवीन, देयर इज अ सिंबल बिटवीन, देयर इज अ सिंबल बिटवीन अलिफ आई एंड अलिफ आई प्लस वन, अलिफ आई एंड अलिफ आई प्लस वन। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी जैसे बोला ना देर इज अ कहां से लिख दिया मैंने, देर इज अ नो सिंबल, मतलब कोई भी सिंबल इनके बीच में नहीं, बिटवीन अलिफ आई एंड अलिफ आई प्लस वन। अलिफ आई और अलिफ आई वन आई प्लस वन के बीच में कोई भी ऐसा सिंबल नहीं होगा। दिस इज से इन द कंटिनम हाइपोथेसिस, इसको कंटिनम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बोला गया है। इन जनरली ऐसे इस पे अभी बातें चल रही हैं। क्लियर है बातें, समझ में आई, डन। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर हमारे पास दो कार्डिनालिटी है, क्या है, दो कार्डिनालिटी है या दो कार्डिनल नंबर है, जैसे क्या है कंटिन्यूअस कार्डिनल नंबर है, जैसे यक्स नॉट लिख दिया, अलफ नॉट लिख दिया, अलिफ वन लिख दिया, अलिफ नॉट और अलिफ वन के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा आपका कोई भी कार्डिनल नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी कार्डिनल नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। अलिफ नल से अलिफ वन यही दोनों कार्डिनल नंबर हुए, इनके बिटवीन में इनके बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। क्लियर बातें, समझ में आई, ठीक। चलिए आप सभी को कार्डिनालिटी समझ में आ गई पूरी की पूरी। देखो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, इक्विवेलेंट सेट के बारे में चर्चा किया, उसमें एक वर्ड आया कार्डिनालिटी, हमने कार्डिनालिटी के बारे में चर्चा किया। कार्डिनालिटी के साथ कार्डिनालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका यूज करते हैं, जिसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, हमने कार्डिनल नंबर का यूज किया। ठीक है, कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर एक टाइप का क्या होता है, सिंबल होता है। कार्डिनल नंबर एक टाइप का क्या होता है, सिंबल होता है, जिस सिंबल का हम यूज करके उसकी किसी भी सेट की कार्डिनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट की कार्डिनालिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, डन। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, एक टाइप का सिंबल होता है। अब बात आती है हमारे पास अगर फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है तो उनके पास कार्डिनालिटी क्या होगी, या कार्डिनल नंबर किसका यूज करेंगे। फाइनाइट के लिए तो हमारे पास चलो ठीक है, नेचुरल नंबर तक है, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं उनको फाइनाइट सेट में यूज कर लेंगे। बट जब इनफाइनाइट की आती है तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद एक तो हम इन्फिनिटी जानते हैं, बट इन्फिनिटी में भी अगर और भी कार्डिनल नंबर को ऑब्जर्व करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, तो वहां पे एक क्या बोलते हैं वर्ड, एक लेटर यूज किया गया। ठीक है, एलिफ, क्या एलिफ,
जो कि हर्ब्रू लेटर है। क्या है? हर्ब्रू लेटर है। हर्ब्रू लेटर अलिफ का यूज किया गया। अलिफ क्या करता है, इसको इनफाइनाइट सिंबल में यूज किया, इनफाइनाइट टाइप ऑफ सिंबल में यूज किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। इस जगह पे इनफाइनाइट सेट के लिए इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर इंट्रोड्यूस किए गए, इसमें से अलिफ सिंबल का यूज किया गया। अलिफ सिंबल में सबसे पहला आपका क्या था, अलिफ नल, दूसरा अलिफ वन, अलिफ टू, अलिफ थ्री, अलिफ फोर, इस तरह से सो ऑन, अलिफ इनफाइनाइट की तरफ मूव कर गया। ठीक, तो जिसमें से अलिफ नल जो था आपका स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल है। अलिफ नल आपका क्या है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल है। अलिफ वन आपका क्या है, उसके बाद का इनफाइनाइट कार्डिनल है। अलिफ थ्री वो भी उसके बाद का इनफाइनाइट कार्डिनल है। जहां पे अलिफ वन को हम कंटिन्यूम बोलते हैं, जो कि कार्डिनालिटी ऑफ रियल नंबर होता है। अलिफ नल क्या होता है, कार्डिनालिटी ऑफ द नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है? किसी भी दो कार्डिनल नंबर अलिफ अलिफ आई से लेके अलिफ आई प्लस वन के बीच में कोई भी अनदर कार्डिनल नंबर नहीं इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो कार्डिनलिटी तक सबको बात समझ में आ गई, डन। चलिए इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, समझ में आता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस लेक्चर्स का, इस रियल एनालिसिस के पूरे कोर्स का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जान रहे होंगे, बड़ी से बड़ी कोचिंग, छोटी से छोटी कोचिंग भी है, जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सबके सब क्या है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट कर लेते, कुछ ना कुछ चार्ज कर लेते हैं, जो कि हर कोई स्टूडेंट नहीं पे कर सकता। तो उसी के पर्पज से हम क्या करते हैं, टोटल का टोटल रियल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक मेहनत से पढ़ाई करिए, और लोग, अगर आपको समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।